हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बनाएंगे एग रोल्स। ये एग रोल बनाना बहुत ही इजी है दोस्तों। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें, और नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे भी ज़रूर दबाएं। ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा एग रोल बना है। इसे आप भी अपने घर पे बहुत ही इजीली बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, इसे आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम एग रोल का शीट का बैटर बनाएंगे। सबसे पहले हम एक बाउल में एक अंडे को फोड़ लेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक के बाद हम इसमें एक कप दूध डालेंगे। इसके बाद हम इसमें 4 चम्मच मैदा डालेंगे और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अब हम इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। हमें इसका एकदम पतला बैटर बनाना है, इतना पतला कि ये पैन में डालते ही फैल जाए। ये देखिए, मैं इसमें थोड़ा और पानी डाल रहा हूँ ताकि ये थोड़ा और पतला हो जाए। ये देखिए, ये हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। हमें इतना ही पतला बैटर बनाना है। अगर हम ज़्यादा गाढ़ा बैटर बनाएंगे तो ये पैन पे फैलेगा नहीं। अब हम इसका शीट बना लेंगे। उसके लिए मैंने पैन पे थोड़ा सा ऑयल फैला लिया है। अब हम हमारे बैटर को इसमें डाल देंगे और फिर इसको ऐसे हम फैला लेंगे, और फिर ये जो पैचेस बचे हैं उसमें भी हम थोड़ा थोड़ा बैटर डाल के इसे फिल कर लेंगे। हम इसे एकदम ही लो फ्लेम पे 2 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए, ये रेडी हो चुका है। अब हम इसे साइड से धीरे से निकाल लेंगे। अब हम सारे बैटर्स का ऐसे ही शीट बना लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे शीट्स को ऐसे ही बना लिया है। अब हम इसका स्टफिंग बनाएंगे। स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है। सबसे पहले हम पैन में थोड़ा ऑयल डालेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, हम इसमें लंबा कटा हुआ कैबेज, ऑनियन, कैप्सिकम और हरी मिर्च डाल देंगे। इन सबको हम अच्छे से सौते कर लेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालने से हमारा वेजिटेबल जो है वो जल्दी भी पकेगा। जब तक ये पक रहा है, हम 2 अंडे को फेंट लेंगे। वेजिटेबल्स पक गए हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डालेंगे और इसे भी हम 30 सेकेंड तक पका लेंगे। ये भी हो गया है। अब हम इसमें हमारा फेटा हुआ अंडा डाल देंगे, और इसमें से हम थोड़ा सा अंडा बचा लेंगे। अब हम इस अंडे को अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट ही पक गया है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच सोया सॉस डालेंगे और बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे। इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे और इसे हम और 2 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखिए, हमारा स्टफिंग रेडी हो चुका है दोस्तों। अब हम इसे शीट में स्टफ करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे हमारा बनाया हुआ एक शीट ले लिया है। अब हम इसमें थोड़ा स्टफिंग डालेंगे जो हमने अभी बनाया था।
इसे हम थोड़ा थोड़ा फैला लेंगे और इसे हम सबसे पहले दोनों साइड से फोल्ड कर लेंगे, फिर बीच में से इसे रोल कर देंगे। रोल करने के बाद हमने जो अंडा बचाया था उसे हम इसके एज पे लगा लेंगे और इसे पूरा रोल कर लेंगे। ऐसा करने से हम जब इसे शैलो फ्राई करेंगे तब ये खुलेगा नहीं। अब हम सारे रोल्स को ऐसे ही बना लेंगे। मैंने सारे रोल्स को ऐसे ही बना लिया है। अब हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे पैन पे थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। अब हम इसे एक एक करके हमारा बनाया हुआ रोल्स को इसके ऊपर रख देंगे और फिर इन सब को हम चारों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है इस पर। आप इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हमारा एग रोल फ्राई होकर रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे। मैं यहाँ पे एक प्लेट पे कटा हुआ कैबेज डाल रहा हूँ। कैबेज के ऊपर थोड़ा सा कैप्सिकम डालेंगे। मैं इसके साथ थोड़ा डिप के लिए सेजवान चटनी रख रहा हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अब हम इसमें हमारा बनाया हुआ एग रोल रख देंगे। मैंने एग रोल को बीच में से काट दिया है। ऊपर से थोड़ा धनिया डालेंगे। हमारा एग रोल रेडी हो चुका है दोस्तों। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।